नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में की ना हुआ भ्रम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो सब। कल्पना कीजिए कि अगर किसी की दोनों किडनियां खराब हो तो क्या वह शरीर, क्या वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है? पर जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमें भारत में देखने को मिला है। करीबन 19 साल से एक संत की दोनों किडनियां खराब है। डॉक्टर ने कहा कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, परंतु आज भी वह संत इस धरती पर जिंदा है और लोगों को अपने शब्दों से कृतार्थ कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराज प्रेमानंद जी महाराज की। आखिर कौन है प्रेमानंद जी महाराज, आइए जानते हैं। महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभु पांडे था। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज पांचवी कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे नौवीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते हैं और कई दिनों तक उपवास रखते हैं। हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते हैं। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग कर जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद न करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदुनाक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपने दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। सन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी की दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे।
तभी वे श्री श्याम श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब एक महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। एक महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वे उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस एक महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से पूरा मथुरा जानने को तैयार हुए। वह नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की, तो उन्होंने खुद को ही हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। अभी भी वह वृंदावन में रह रहे हैं। अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छे है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और